Welcome to Mishika classes. Today's life process part number 2 and today we are going to discuss about heterotrophic nutrition. In previous class we have already discussed about the autotrophic nutrition. If you want to know, get information of that video, you can check the description box. The link of that video is given in the description box. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Aaj my life process ki class number 2 hai. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. द न्यूट्रिशन व्हिच इज नॉट सिंथेसाइज बाय द ऑर्गेनिज्म बाय इट्स ओन. वो न्यूट्रिशन जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप सिंथेसाइज नहीं कर सकता, मीन्स अपने आप नहीं प्रिपेयर कर सकता. बाय इट्स ओन का मतलब अपने आप, ऑर्गेनिज्म जो अपने आप खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता, मींस उसको हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल दे दिया और वो खुद ही एक फूड बना दे, इट इज नॉट पॉसिबल. वो ऑर्गेनिजम्स, वो न्यूट्रिशंस जो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनिज्म, एंड हेंस इसी वजह से, क्योंकि वो खुद नहीं प्रिपेयर कर पा रहा, तो हेंस मींस इस वजह से इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर देयर रिक्वायरमेंट. वो किस पर डिपेंड करता है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशंस, वो न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनिज्म खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मतलब खुद उसका रॉ मटेरियल लेकर उसको खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट. उनको जो बेसिक नीड है वो, उसके लिए वो किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वो डिपेंड डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन ऑफ अ डियर एंड द लायन. डियर इन व्हाट डियर इट टेक्स, डियर इन टेक्स प्लांट्स. डियर क्या खाता है, प्लांट्स खाता है. तो प्लांट, डियर खुद तो नहीं अपना खाना बना रहा, डियर को हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल तो नहीं दे जिसकी वजह से सिंथेसाइज कर लिया फूड. नो, डियर ईट्स प्लांट्स. डियर क्या खाता है, प्लांट्स खाता है. और प्लांट्स कहाँ पर है, प्लांट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाते हैं. तो इसका मतलब प्लांट्स तो सिंथेसाइज खुद कर रहे हैं अपना फूड, बट डियर को सिंथेसाइज करने के लिए किस पर डिपेंड करना पड़ा, प्लांट्स पे. और वो डायरेक्टली ईट कर रहा है तो वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है. बट लायन ईट्स डियर. लायन किसको खाता है, डियर को खाता है. तो अब उसको सिंथेसाइज करना अपना फूड तो वो किसको कर रहा है, डियर को खा रहा है. बट वो डियर भी क्या खा रहा है, डियर भी तो इसलिए सर्वाइव कर क्योंकि उसे प्लांट्स खाए थे. तो इन दिस केस लायन इज इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स. लाइन किस तरफ इनडायरेक्टली डिपेंड, किस पे कर गया, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है. व्हाट, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या हो गए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस उन न्यूट्रिशंस को कहा जाता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, मींस हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल दे दिया और अपना फूड खुद बना दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस द ऑर्गेनिजम्स which cannot prepare their own food, which cannot synthesize their own food. वो organisms जो अपना खाना खुद prepare नहीं कर सकते, खुद synthesize नहीं कर सकते, means inorganic material दिया और उन्होंने अपना खाना बना दिया, जो ऐसा नहीं कर सकते organisms, उन organisms को हम क्या कहते हैं, heterotrophs. उन organisms को क्या कहा जाता है, heterotrophs. They directly और indirectly depend on plants. वो डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं प्लांट्स पर, इनडायरेक्टली भी. जैसे अभी हमने लायन और डियर, लायन का एग्जांपल कहा, जो डियर है वो प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, बट लायन डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स. लायन जो है इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट्स पे. कैसे, बिकॉज लायन ईट डियर एंड डियर ईट प्लांट्स. तो व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल, human beings, animals, birds, etc. These are the modes of heterotrophic nutrition. ये modes हैं, कौन कौन से तरह के होते हैं, means अब हम बार बार कह रहे हैं कि heterotrophic nutrition वो nutritions होते हैं जो कि दूसरे को खाते हैं, which खुद अपना खाना खुद prepare नहीं करे, which do not synthesize their own food. They eat plants directly or indirectly. तो वो किस किस फॉर्म में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, किस तरह हम लोग कैटेगराइज करते हैं, दीज आर द थ्री कैटेगरीज. ये तीन कैटेगरीज हैं, द होलोजोइक न्यूट्रिशन, द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. दीज आर द थ्री न्यूट्रिशंस, ये तीन न्यूट्रिशंस हैं.
इनके ऊपर डिपेंड करता है. तीनों के जो फंक्शनिंग है वो अलग अलग है. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज अ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो फर्स्ट इज होलोजोइक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन? द ऑर्गेनिजम्स दैट इनटेक सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी. वो फूड जो ऑर्गेनिजम्स जो सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग, अमीबा, एनिमल्स, हम सब के सब किसके अंदर आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करते हैं? बेसिकली वो सॉलिड फूड को खाते हैं. खाने के बाद उनकी जो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो उस खाने को ब्रेक डाउन कर देता है एंड वी गेट द एनर्जी. एंड दिस ब्रेक डाउन अकर इनसाइड द बॉडी. और ये ब्रेक डाउन कहां पर होता है? बॉडी के अंदर. द ऑर्गेनिजम्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन द फूड इनसाइड द बॉडी. वो ऑर्गेनिजम्स जो सॉलिड फूड को खाते हैं और ब्रेक डाउन हो जाता है किसका? फूड का, हमारी बॉडी के अंदर ही. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल. नेक्स्ट इज अ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड फ्रॉम द डेड डिकिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. सैप्रोफिटिक फूड्स किन्हें कहा जाता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किन्हें कहा जाता है? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स किन्हें कहा जाता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना किससे ले रहे हैं? जो डेड हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, मरने के बाद इधर डेड बॉडीज हैं उन पे से अपना फूड ले रहे हैं. और वी कैन से दैट जब डेड बॉडीज को हम डिके कर देते हैं, हम दबा देते हैं, हम बरी कर देते हैं, हम दफना देते हैं, तो उनसे जो फूड ले रहे हैं दैट कम्स अंडर द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. वो किसके अंदर आता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है. ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड फ्रॉम द डेड डिकेइंग प्लांट्स. जो डेड डिकेइंग मतलब जो प्लांट्स मर चुके हैं उनसे खाना ले रहे हैं, जो बनके हमने उनको दबा दिया या उनसे फूड ले रहे हैं, तो वो तो सैप्रोफिटिक के अंदर आ गया. जो सॉलिड फूड खा रहे हैं वो किसके अंदर आ गया? होलोजोइक के अंदर आ गया. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज फंगी एंड द मशरूम्स. ये दोनों ही डेड डिकिंग प्लांट्स पे, डेड डिकिंग मैटर पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट इज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज अ पैरासिटिक? पैरासिटिक न्यूट्रिशन आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इनसाइड और आउटसाइड द अदर ऑर्गेनिजम्स टू गेट देयर फूड. दे ऑल्सो प्रोवाइड हार्म टू दैट बॉडी ऑल्सो. ये उनकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं. ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं किसे कहा जाता है? ये वो न्यूट्रिशन है जो या तो बॉडी के अंदर रहेगा, किसी और बॉडी के अंदर रहेगा, या फिर किसी और बॉडी के ऊपर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल द टेप वॉर्म. द टेप वॉर्म लिव इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. जो टेप वॉर्म है अपने फूड के लिए वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है ताकि वहां से उसको फूड मिलता रहे. दैट लिव इनसाइड द बॉडी. बट एज इन कंपेरिजन ऑफ लीच, लीच मतलब जुए, जुए कहाँ रहती है? लाइसिस कहाँ रहती है? लाइसिस लिव्स आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी. दे लिव इन द हेयर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. वो बालों में रहती है मतलब बॉडी के बाहर रहती है. तो वो कैटेगरी, वो ऑर्गेनिजम्स जो इनसाइड और आउटसाइड रहते हैं किसी और ऑर्गेनिजम्स के, तो उन्हें क्या कहा जाता है? फॉर देयर फूड दैट आर कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशंस. जो जिसके ऊपर रहते हैं दैट इज नोन एज द होस्ट बॉडी. क्या कहते हैं उनको? होस्ट बॉडी. मीन्स जो टेपफॉर्म जिसकी बॉडी में रह रहा है वो टेपफॉर्म, उस बॉडी को क्या कहा जाएगा? द होस्ट बॉडी. ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है इसकी? दे प्रोवाइड हार्म टू द बॉडी. वो ऐसे ही अपना फूड ले लेते, वो उस होस्ट बॉडी को नुकसान भी पहुंचाते हैं. दे प्रोवाइड हार्म टू दैट बॉडी. वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कसकटा इन प्लांट. प्लांट्स के अंदर कौन सी ऐसी प्लांट है जो अपना खाना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करती, दूसरों को नुकसान पहुंचा के लेती है? दैट वॉज अ कसकटा. एंड इन हिंदी वी कॉल इट अमर बेल. हिंदी में से क्या कहा जाता है? अमर बेल. वो क्या होता है? जनरली ट्रीज के ऊपर एक बेल हैंग हो जाती है, बेल रैप वो कर देती है, उसके ऊपर कवर कर देती है. वो धीरे 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 प्लांट्स के जितने भी न्यूट्रिशंस है, वाटर्स है, मिनरल्स है, वो सबका इंटेक कर लेती है और प्लांट्स को सूखा करके छोड़ देती है. दिस इज कॉल्ड एज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इस तरह पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. एंड इन एनिमल्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लीचीज. लीचीज मीन्स खटमल का एग्जाम्पल है एनिमल्स के केसेस में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. दो तरह के ऑर्गेनिजम होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. व्हाट आर द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स? इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. और व्हाट आर द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? इट इज अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनि मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स मल्टी, यानी कि एक से ज्यादा. यूनिसेल्यूलर के अंदर जो फूड इनटेक है वो बॉडी से होता है. द फूड इनटेक थ्रू द फूड इनटेक इज थ्रू द एंटायर सरफेस.
फूड इनटेक कहाँ से होता है? उसकी पूरी बॉडी से होता है, पूरी इंटायर सरफेस से वो लेता है। इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर द फूड इनटेक थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम लोग हो गए, एनिमल्स हो गए, हम सब की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके थ्रू ही हम अपने फूड को इनटेक कर पाते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा और मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। आई होप यू गेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस वीडियो। इफ सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।